यूपी के उन्नाव से खबर है। मौलवी की तैनाती पर खूनी संघर्ष हो गया। मस्जिद में मौलवी की तैनाती को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों में मौलवी पद को लेकर खूनी झड़प हो गई। दो पक्षों में लाठियां चली, डंडे चले। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 15 लोग घायल हो गए हैं। एक पक्ष के 8 और दूसरे पक्ष के 7 लोग घायल हैं। उन्नाव पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मस्जिद में मौलवी के पद पर तैनाती को लेकर यह विवाद हुआ। दो पक्षों में मौलवी पद को लेकर खूनी झड़प हो गई। लाठी डंडे चल गए, गोलियां चल गई। कुल मिलाकर 15 लोग घायल हैं इस खूनी संघर्ष में। एक पक्ष के 8 लोग घायल हैं, दूसरे पक्ष के 7 लोग घायल हैं। उन्नाव पुलिस ने इसके बाद 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आज दिनांक 13/9/2024 को थाना मरावा के ग्राम भवानीगंज में दो पक्षों में मौलवी की नियुक्ति को लेकर के मारपीट और लाठी डंडा हो गया, चल गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें मरावा पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर सीएससी अस्पताल भेजा गया। वहां से डॉक्टरों द्वारा उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है। इस संबंध में द्वितीय पक्ष के 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तहरीर प्राप्त कर उचित धारों में अभी पंजीकृत किया जाएगा। और ऐसे कुछ बाद विवाद भय रहा है, बाद में समझौता होता रहा है। ये लोग अपन चढ़ाई करके सामने गोली 12-15 लोग घर के बाहर के बदमाश थे। कुछ ना एक मौलाना की विषय में हुई थी बात, समझौता हो गया। संकल्प और जानकारी के साथ हमारे साथ है। संकल्प, क्या वजह रही इस विवाद की? देखिए विशाल, जो घटना है वो मौरावा थाना क्षेत्र के भवानी खेड़ा की घटना है, देर रात की घटना है। और पूरी घटना मस्जिद में एक मौलवी को रखने को लेकर ये जो घटना थी वो पूरी तरीके से खूनी संघर्ष में बदल जाती है। देखते देखते दोनों पक्षों से गोलियां चलने लगती है, फायरिंग होने लगती है और लाठी डंडे चलते हैं। इस पूरी घटना में करीब 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में की जा चुकी है और जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब दोनों पक्षों से तहरीर लेकर कार्यवाही की भी बात कही जा रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे थे और जांच पड़ताल कर अब कार्यवाही की बात कही जा रही है।